आप सब और चटोरो कैसे हो आप लोग? मैं चटोरी हूँ, आप लोग चटोरे नहीं हो। तो मैं चटोरी आज आपके लिए लाई हूँ लिट्टी चोखा रेसिपी। और ये लिट्टी चोखा रेसिपी गांव का स्टाइल है और गांव के स्टाइल में मैं बनाई हूँ। यहाँ शहर में कितना मुश्किल होता है आपको आज पता चलेगा। तो मैं आज लाई हूँ आप सभी के लिए लिट्टी चोखा। और आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कितना बनाती हूँ और कितना खाती हूँ। तो मुझे खाने का भी शौकीन है और बनाने का भी शौकीन है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ज्यादातर। मैं उनको खुश करने के लिए बनाते रहती हूँ, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगी, पूरा घर खुश रहेगा। तो मैं उनके लिए ना बनाते रहती हूँ, तो कभी कुछ कभी कुछ। और मुझे कुछ नया बनाने का भी बहुत मन करता है और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये बात मेरे हस्बैंड को भी पता है। और मैं ट्राई करती हूँ और थकती नहीं हूँ, अगर मेरे से गड़बड़ भी हो जाती है फिर से ट्राई करती हूँ। तो आज के वीडियो में ना मैं लिट्टी चोखा बना रही हूँ, वो भी गांव के स्टाइल में। गांव में जैसे बनता है ना चूल्हे पे, सॉरी चूल्हे पे नहीं, मतलब गोबर की जो उपले होते हैं उसमें और कोयला वोयला डाल के बनाते हैं, तो आज मैं उसी तरह बनाने वाली हूँ, कोयला पे लिट्टी चोखा। चोखा मैं बनाऊंगी बैगन का, बैगन भरता और लिट्टी। तो मैं इसकी फुल रेसिपी लाई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी और आप इजिली बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये रेसिपी बनाना। और मैं ये गांव के स्टाइल में बनाने के लिए मैंने कहाँ कहाँ से सामान जुगाड़ किया है आपको मैं बता नहीं सकती। मैं रहती हूँ शहर में और ये उपले कोयला ये सब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस शहर में नए हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, मेरे घर के बगल में ही उनका, हम दोनों का छत सटा हुआ है, तो उनके उनका है रेस्टोरेंट, उनका एक होटल है, तो वहाँ कोयला यूज होता है, तो कोयला उनके छत पे रखा रहता है, बोरी बोरी बहुत सारा बोरी रखा रहता है। तो मैं उनके छत पे जब से कोयला देखे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को लिट्टी चोखा खाने का मन करने लग गया था, तो उनके छत पे कोयला देख के मन करा था कि लिट्टी चोखा बनाया जाए। तो मैंने आंटी से मांगा, आंटी थोड़ा सा कोयला दे दो मुझे, मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगी। आंटी बोलती है लिट्टी चोखा क्या होता है, इधर के लोगों को ना पता नहीं है कि ये सत्तू का पराठा भी बनता है। मैं बहुत लोगों को मोहल्ले में खिलाई हूँ, तो बहुत लोगों को, इधर पंजाबी और हरियाणवी लोग रहते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ मैं इकलौती बिहारी हूँ, बाकी सारे पंजाबी और हरियाणवी लोग रहते हैं। तो मैं लिट्टी चोखा उनको बोली तो उनको समझ नहीं आया, तो मैं आंटी आप दे दो बस। तो आंटी ने कोयला दिया, फिर अब उपले चाहिए, गोबर के जो उपले बनते हैं ना, इधर उपले बोला जाता है, तो गोईठा भी बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं। तो हम दूध जहाँ से लाते हैं वहाँ उपले बनता था, तो इनको पता था वहाँ उपले बनता है। और मैं कभी लाई भी हूँ पूजा करने के लिए, जैसे हुमा दुमा जलाने के लिए उपले की जरूरत होती है ना, तो वो लाए हैं, वहाँ देखे थे तो लाए भी हैं दो तीन बार। तो मैं कल वहां से उपले लेके आई, अब उपले और कोयला भी मिल गया, अब इसको जलाया कैसे जाए। फिर मैंने पॉलिथीन से जलाया, नहीं जला। फिर अब मुझे मिट्टी का तेल, आई मीन क्रासन तेल चाहिए था। फिर मेरे पड़ोस में ना एकदम पेंट हो रहा था, तो मैं उनसे थोड़ा सा मंगी, आंटी थोड़ा सा क्रासन का तेल दे दो, तो वो दिए। तो ये सारे चीज को जोड़ जोड़ के बना है मेरा लिट्टी चोखा। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद नहीं आएगा तो इंटरटेनमेंट तो आप जरूर हो जाएंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कान पकड़ लिया, अब लिट्टी चोखा नहीं बनाएंगे कभी, बहुत ही मुश्किल है। और पता है गांव के लोगों को ना जलाने आता है, हम लोग कितना कोशिश करते हैं जलाने का, तब जाके क्या हुआ है आगे आपको पता चलेगा और फिर खाने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा आप, हम इतना मेहनत करते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए लिट्टी चोखा बनाते हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पास लिट्टी के अंदर भरने वाला सत्तू, उसके लिए क्या क्या लगेगा वो ली हूँ। तो लहसुन प्याज हरी मिर्च यही सब लगती है। तो सबसे पहले मैं लहसुन और हरी मिर्च को इससे बारीक चॉप कर लूँगी। और यहाँ पास बंसू को भी करना रहता है, उसको भी सारा काम करना रहता है, बंसू भी छीन छीन के कर रहा है। तो पहले इन दोनों को चॉप कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं प्याज को चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। और ये इतना प्याज मैं जो
मैं बनाऊंगी बैगन का भरता, उसमें डालूंगी और सत्तू में डालूंगी। तो मैं ऐसे ही काट के सारा चॉप कर लूंगी बारीक। और अगर आप तीखा खाते हैं तो और मिर्च डाल लीजिएगा, और अगर आपको तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मिर्च को आप अवॉइड कर सकते हैं, ये आपके अनुसार है। तो इसमें नींबू भी लगता है, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अचार भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ राजधानी सत्तू, जो मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, ग्रोफर पे मिल जाती है आसानी से ऑनलाइन सत्तू। तो पहले मैं इसको चाल ली हूँ ताकि इसके अंदर कुछ है कि नहीं वो देखने के लिए मैं चाल ली हूँ। तो उसमें मैं अपना आधा मिलाऊँगी प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का जो बारीक चॉप की हूँ वो मिलाऊँगी। फिर उसमें एक नींबू को गार दूंगी मैं। और फिर इसमें मिलाऊंगी मैं अजवाइन मंगरेला और नमक, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें सरसों का तेल मिलाते हैं एक दो चम्मच, छोटी चम्मच। और ये देखिए मैं इसमें मिला रही हूँ अचार। नींबू अगर आपके पास नहीं है तो आप अचार मिला दीजिए, आपको नींबू की कमी नहीं लगेगी। और इसमें थोड़ा सा खट्टा डालना ही है, अगर आपके पास अचार नहीं है तो नींबू डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ डालना ज़रूरी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और हल्का सा पानी डालेंगे 5-6 चम्मच, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो अब ये रेडी है, अब आटा हम बना लेंगे। उसमें आटे में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के मैं उसको थोड़ा सा कड़क सान लूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर आग सुलगा लेती हूँ, तभी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सुलगाने में। तो वही आग सुलगा रही हूँ, तो देखिए क्या क्या इसके लिए बंदोबस्त किए हैं। ये जो जिसमें मैं आग सुलगा रही हूँ ये मेरे घर का ही था, ये जब मेरे घर काम घर बन रहा था तो छोड़ के चले गए थे, तो ये वही है। पहले मैं पॉलीथीन से जलाने की बहुत कोशिश की लेकिन पॉलीथीन से अच्छे से जला नहीं। और ये जो गोबर के उपले हैं इसको आप बहुत सारा डालिए, मुझे नहीं पता था कि इसका बहुत सारा डाला जाता है। मैं थोड़ा सा ही आधा ये गोबर तोड़ के डाल दी थी, इसी कारण मेरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं ये बताई ना आपको, ये सारा मैं इधर उधर से मांग मांग के आज मैं अपना चूल्हा जला रही हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जलाना, जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है लेकिन शहर वाले लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको जलाने में हमें नानी याद आ गई थी, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इससे अच्छा तो हमारा गैस चूल्हा ही है। पता है गांव के जो लोग होते हैं जो गैस चूल्हा यूज नहीं करते, उनके लिए पता है गैस चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल होता है, और ये गोबर के ये जलाना बहुत आसान होता है, और हम लोग के लिए यही जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी दादी है जिनको गैस जलाना नहीं आता है, गैस दूसरे से जलवाती हैं, लेकिन ये गोबर ओबर आसानी से जला लेती हैं, चूल्हे पे खाना भी अच्छे से बना लेती हैं। तो ऐसे ही होता है बहुत मुश्किल है। ये देखिए थोड़ा सा जला था, मस्त जलने लग गया था, लेकिन यही है ना कि थोड़ा सा और गोबर के उपले डाले जाते, बहुत कम डाली थी। तो यहाँ पर मैं ये कोयला है तो इसको मैं ना तोड़ लूँगी छोटे छोटे टुकड़े में, और ये बहुत आसानी से टूट गया था। ये लकड़ी का ही कोयला है, जो लकड़ी का जलन जला के लकड़ी जलाते हैं वही वाला कोयला है ये। और बंसू को अपनी नाक सारी जगह घुसानी रहती है, उसको हर काम में श्रेय लेना रहता है कि मैंने भी किया है, उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। और बहुत बदमाशी भी किया था इस टाइम, जाके ले जाके डाल रहा है, देखो अभी देखो ले जाके डाल रहा है। तो मेरे कोयला टूट गया है, तो अभी ये सारा कोयला मैं उस आग के ऊपर डाल दूंगी और फिर वो सुलगेगा। तब तक मैं चलिए वो जो मैं बनाई हूँ उसको भर लेती हूँ आटे में। ये देखिए वंशु कैसे बदमाशी कर रहा था। तो यहाँ पर इसके पापा भर रहे हैं, इनका भरने का ही काम रहता है, ये बैठ के टीवी देखते हैं और भरते रहते हैं। तो देखिए इसका छोटी सी कटोरी, आटे की छोटी सी कटोरी बना लेते हैं, और सत्तू को अंगूठे से दबा दबा के इसको बंद कर देते हैं, बहुत ही आसान है। और गोल बॉल की तरह गोल गोल बनाते हैं, और सत्तू को ज़्यादा ना भरे, थोड़ा सा भरे, 1-2 चम्मच बस, इतना ही।
बहुत ज़्यादा भरने से ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें भरा जाता है। ऐसे ही सारे भर लेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सा बॉल बनाए हैं ये। तो ऐसे ही पहले मैं बना के सारा रख लूँगी, फिर उसके बाद जब कोयला मेरा सुलग जाएगा तो फिर मैं कोयले पे डालूँगी। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है और पता नहीं बहुत जगह अलग तरीके से बनाई भी जाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बनाई जाती है और हमारे गांव में भी ऐसे बहुत बनता है। और जिसको ऑयली पसंद नहीं है तो वो ऐसे खा सकता है। और अगर आप चूल्हे पे नहीं, मतलब उस पे कोयले पे नहीं बना सकते हैं, तो आप इसको तल भी सकते हैं। मैं आपको तल कर भी दिखाऊंगी लास्ट में, मैंने लास्ट में तला भी है तो मैं वो भी दिखाऊंगी। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऐसे ही पहले बॉल बना लेती हूँ जल्दी से, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ, तो मैं आपको पहले बताती हूँ, मैं आपको स्लोली स्लोली करके दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो ये देखिए पहले गोल सा आटे की बॉल बना लेंगे और उसको अंगूठे से दबाते हुए उसकी कटोरी बनाएंगे। हल्का सा दबाना है और हल्का सा दबाते दबाते और उसको घुमा घुमा के दबाएंगे तो कटोरी बन जाएगी। और फिर उस कटोरी में हमें थोड़ा सा भरना है और उसको अंगूठे से दबा देना है, और वैसे ही अंगूठे से दबा दबा के हमको इसको बंद करना है। तो ये देखिए, और जो सामने में जो उसकी पूंछ निकल जाती है उसको तोड़ देना है। वो देखिए, इसको तोड़ना है और फिर हाथ से गोल गोल कर लेना है। तो बस ऐसे ही सारे बनाने हैं, बहुत ही इजी है, जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे। तो देखिए इधर मेरे चूल्हे का क्या हाल है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इन्होंने बोला पंखा करो इसको तो ये जल जाएगा, मैंने इतना पंखा किया ये नहीं जल रहा है, पूरा धुआं घर में फैल रहा था, बहुत धुआं फैल रहा था। फिर मुझे टेंशन हो गई कि जलेगी कि नहीं जलेगी। पता है मेरी गलती यही थी कि हमने ना वो जो गोबर के उपले होते हैं वो बहुत कम डाले थे, उसको बहुत सारा डालना था, पूरा इसको भरना था उससे, फिर उसके ऊपर कोयला रखती तो अच्छे से बनता। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ऐसे ही करिएगा, ये हमारी मिस्टेक थी जिससे आप सबक ले सकते हैं। तो ये देखिए नहीं जला था तो फिर से जला रहे हैं, राशन का तेल डालकर, मिट्टी का तेल होता है उसे डालकर, ये भी कहीं से मांग कर लाए हैं। आपको मैं बता रही हूँ ना शुरू से कि आज मांग मांग कर खाना बनाना पड़ा है, तो अभी सक्सेस नहीं हुआ है। और ये बंसू आटा का गोल गोल ला ला के उसमें डाल रहा था आटे, तो ये देखिए ऐसे ही जलाई हूँ। आगे आप देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगी कि आज हमने कितनी मेहनत की है कितनी। और ये सब पता है मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई हूँ कि कैसे बनती है लिट्टी चोखा प्रॉपरली ढंग से, जो गाँव में बनाया जाता है। तो ऐसे ही जलाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर गोबर के उपले फिर से डाल दी हूँ, और ये थोड़ा बहुत सुलग गया था, तो ये थोड़ा बहुत सुलग जाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अपने ये जो गोल गोल किए हुए हैं। तो देखिए वो थोड़ा सा सुलग गया था तो मैं उसके ऊपर डाल दी थी, और मैं इतना पंखा कर दी कि ये सारा भूत गया था। पंखा नहीं करना था मुझे, मुझे नहीं पता था, मैं पंखा कर करके ना सारा भुता दी हूँ। मैं सोची ये और जलेगा लेकिन नहीं जला। तो ऐसे ही इसको पलट पलट के हमें बनाते रहना है। तो बस इतना ही बनाई थी मैं इस पे, बाकी मैं तल कर बनाई हूँ क्योंकि इसके बाद ये भूत गया तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे नहीं बना तो। तो अब हम आ गए हैं चूल्हे पे, इसको अब हम तल के बनाएंगे। हाथ से थोड़ा सा इसको मैं चपक दी हूँ और इसको गरम तेल में तल रहे हैं। तो अगर आपके वैसे नहीं बना सकते हैं तो ऐसे बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर पहले मैं बैगन को भी गैस पे पका देती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लेके बैगन पे लगा दीजिए, इससे इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। मैं सोची थी बैगन को भी उस पर पकाऊँगी, लेकिन
आग जला ही नहीं, तो इसको हमें बीच से एक चीरा मारना है और देखना है इसके अंदर की कुछ कीड़ा उड़ा तो नहीं है। और ये बैगन बिल्कुल सही था, तो इसके अंदर हम लहसुन और मिर्ची को खोस देंगे और वो भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए ऐसे ही इसके अंदर हम भर देंगे और ये देखो मैं लहसुन को भी डाल रही हूँ और इसको गैस पे पकाएंगे, ये बहुत जल्दी पक जाती है गैस पे। और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत टेस्ट आएगा इसका। तो चूल्हे पे बना रहे हैं तो चूल्हे पे डाल दीजिए और छिलका सहित ही इसको डालना है लहसुन को। तो ये देखिए गैस पे ये मेरा पक रहा है, तब तक मैं इधर इसको तल के निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा बस ये होने वाला है, अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये गोल्डन हो गया है। तो आज आप देखे ही होंगे मैंने कितना मेहनत की हूँ ये सबको बनाने के लिए। और बैंगन के साथ साथ मैं दो टमाटर को भी आग पे पका लूँगी। तो ये हमारा अच्छे से तला गया है, ऐसे ही जितने बचे हुए हैं सारे मैं तल लूँगी और इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। ये एकदम परफेक्ट कलर हो गया है और अब मैं बनाऊंगी बैगन का चोखा। तो मेरा बैगन भी पक गया है तो अब मैं बनाऊंगी बैगन का चोखा। तो बैगन का चोखा बनाने के लिए मैं कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ और उधर देखिए मेरे टमाटर पक रहे हैं। तो बैगन को मैं पहले इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, सरसों का तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल दूंगी अपने फ़ौरन। और चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ बैगन को कैसे छीलते हैं, एकदम आसान है छीलना, एकदम आसानी से निकल जाती है छिलका। ये देखिए बैगन अच्छे से पक गया है, तेल लगाने से ये बहुत आसानी से निकल जाता है छिलका। तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, वही प्याज जो मैं उस समय सत्तू के लिए की थी, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च। और वो जो दो वो लहसुन और हरी मिर्च जो मैं इसमें खोसी थी उसको भी काट के इसमें डाल दूंगी और इसको दम अच्छे से भूंजूंगी एकदम लाल करके, बहुत अच्छा बनेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए ये मिर्ची को भी मैं काट के डाल दूंगी और लहसुन मेरा पका नहीं था, लहसुन कच्चा रह गया था क्योंकि बैगन बहुत जल्दी पक गई थी इसीलिए लहसुन कच्चा रह गया था। तो मैं इसमें पके हुए टमाटर को भी ऐड कर दी हूँ और सारे चीज़ मिला ली हूँ। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, मसाले में मैं बस डालूँगी नमक और गोलकी जीरा बस, और कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। और इसको बस भूंजना है अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से भूंजा गया है, कढ़ाई छोड़ रही है तो ये तैयार है। तो ये देखिए जो हमने लिट्टी आग पे बनाए थे तो उसको पहले ऐसे पोंछा जाता है और इसको पोंछ के इसमें घी लगाया जाता है, घी में डुबा भी सकते हैं और घी ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने घी लगा लिया है, तो ये हमारी थाली रेडी है। तो अब हम लोग खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मेहनत किए हैं तब जाके ये मिला है खाने को। तो आइए आप लोग भी खाइए, आप लोग भी बनाइए और मेरे साथ शेयर करिए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए इसके अंदर सत्तू निकलती है और ये वाली भी देखिए दोनों सेम है, बस दोनों का टेस्ट भी सेम ही रहता है, थोड़ी सी डिफरेंट रहती है तो बहुत ही